हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोग ब्रेन टीजर का क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व किए थे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10 सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच नंबर्स हैज़ मोर डिजिट, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स और स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स, ठीक है। इसमें पूछ रहे हैं, हम लोग को ये बताना है कि ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर्स बड़ा होता है या फिर स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो पहले लिख के देख लेते हैं, ठीक है। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या होगा? ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 99,999। नेक्स्ट क्या है? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, 6 डिजिट नंबर क्या होगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 लैख। अब बताओ, 99,000 बड़ा होगा या फिर 1 लैख? क्या बड़ा होता है? 6 डिजिट होगा ना। अब यहाँ पे कुछ भी लिखा हो, डिजिट जिसका बड़ा होगा वही नंबर बड़ा होता है। यहाँ पे 5 डिजिट है, ये 6 डिजिट है, तो ग्रेटेस्ट क्या होगा? तो आंसर में क्या हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन नंबर 6? क्या होगा आंसर में? स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर्स। ओके, बस इतना ही लिखना था, बहुत ईजी। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? राइट द स्टैंडर्ड नंबर्स फॉर। स्टैंडर्ड नंबर में हमको क्या करना है? सिर्फ ऐड करते जाना है। यहाँ लिखा है 5023। अब इसको ऐड करेंगे, वंस के प्लेस में क्या है? 3 है, तो लिख देते हैं हम 3, ठीक है। टेंस के प्लेस में 2 है, 2 लिख दिए। अब 100 के प्लेस में क्या है? 0 है, 0। 1000 के प्लेस में 5 है, तो 5, ठीक है। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो कॉपी में सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, क्या लिखा हुआ है? 5000 प्लस क्या है? 20 प्लस क्या है? 3, लिख लिए 3। अब ऐड करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3, 2, 0 एंड 5, यही आंसर आया हमारा। नेक्स्ट क्या है? 670 प्लस 50। अब इसको ऐड कर देते हैं, 670 प्लस 50, ठीक है। क्या हो गया ऐड किए तो? 5, 7 प्लस 0 7, 7 प्लस 1 8। नेक्स्ट क्या है? 6। आंसर क्या होगा हमारा? 685। तो यहाँ हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? 685। नेक्स्ट नंबर सॉल्व करते हैं, क्या है? सेवेंटी थाउजेंड प्लस 7 प्लस 700 प्लस 70। अभी सबको ऐड कर देते हैं, ठीक है। 7 प्लस 0 7 प्लस 0 7 प्लस 0 7, क्या हो गया? 7। नेक्स्ट 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 7 7। नेक्स्ट 0 प्लस 7 क्या हो गया? 7। अब क्या है? 0 7। तो आंसर क्या होगा? 70,777। तो हम आंसर में क्या लिखेंगे? 70,777, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर एट क्या है? राइट डाउन द पीरियड्स एंड प्लेस ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच नंबर्स। अब हम लोगों को क्या करना है? जिस भी नंबर, जो भी अंडरलाइन नंबर है, उसका हम लोग को पीरियड और प्लेस लिखना है। तो पहले पीरियड देख लेते हैं, वंस, टेंस, हंड्रेड। हंड्रेड किसके पीरियड में आता है? वंस के। तो पीरियड के प्लेस में क्या लिखेंगे हम? वंस। प्लेस क्या है? हंड्रेड है, तो यहाँ हम लिख देंगे हंड्रेड, हंड्रेड्स, ओके। नेक्स्ट अंडरलाइन वन में है, वन कौन से पीरियड में है? वंस, टेंस, हंड्रेड, ये तीनों कौन से पीरियड में आते हैं? वंस के अंडर, तो यहाँ क्या लिखेंगे? वंस। और प्लेस क्या है? टेंस, तो प्लेस के प्लेस में लिख देंगे टेंस। नेक्स्ट क्या है? सिक्स,
वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, तो पीरियड कौन सा है ये? थाउजेंड, तो पीरियड में लिख देंगे हम थाउजेंड, ठीक है। और प्लेस क्या है? टेन थाउजेंड है, तो प्लेस क्या लिखेंगे हम? टेन थाउजेंड। ओके नेक्स्ट क्या है? वन, वन टेन हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैख, पीरियड क्या है? लैख, तो पीरियड के प्लेस में लिख देते हैं लैक्स। और प्लेस भी क्या है? लैख, तो क्या लिख देंगे हम? लैख। ओके नेक्स्ट क्या है? अंडरलाइन नाइन, वंस के प्लेस में है, प्लेस क्या है? वंस, तो प्लेस पहले लिख दिए, क्या हो गया? वंस। और वंस का पीरियड क्या होता है? वंस होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा? दोनों साइड हम क्या लिखेंगे? वंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन, कंपेयर द प्लेस वैल्यू ऑफ द इनसर्कल डिजिट इन द नंबर्स। अब हम लोगों को क्या करना है? कंपेयर करना है। किसको कंपेयर करना है? जिस भी डिजिट में सर्कल किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कंपेयर कैसे करेंगे? पहले पहले हम लोग इसका प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। थ्री, थ्री कौन से प्लेस में है? वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, तो क्या लिखेंगे हम? थ्री थाउजेंड। नेक्स्ट थ्री कौन से प्लेस में है? वंस टेंस, तो क्या हो जाएगा ये? थर्टी। अब कंपेयर करो, इन दोनों में से बड़ा कौन है? इन दोनों में से बिगेस्ट नंबर कौन है? थ्री थाउजेंड। तो कंपेरिजन में क्या लिख देंगे? ग्रेटेस्ट नंबर। तो कंपेरिजन में क्या हो जाएगा? हमारा बिगेस्ट नंबर क्या होगा? थ्री थाउजेंड। बस यही करना था। क्वेश्चन नंबर नाइन सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर टेन सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टेन क्या है? यू आर गिवन सम डिजिट बिलो फ्रॉम द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर्स यूजिंग ईच वन ऑफ दिस डिजिट वन डिजिट ओनली वंस। हम लोग को किसी भी डिजिट को रिपीट नहीं करना, वन टाइम्स यूज़ करना है। और क्या बनाना है? ग्रेटेस्ट है और स्मॉलेस्ट नंबर। तो क्वेश्चन नंबर टेन में पहले क्या हम बनाएंगे? ग्रेटेस्ट नंबर। तो क्या आ जाएगा? ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट बोला है, तो क्या है? ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर्स, ठीक है। ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट बनाना है तो हम जो भी नंबर बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे। नाइन है तो नाइन, नाइन के बाद क्या है? फाइव, फाइव, फोर, थ्री, ज़ीरो। क्या बन गया हमारा? 95,430 ग्रेटेस्ट फाइव डिजिट नंबर। नेक्स्ट क्या है? स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर्स। ओके अब स्मॉलेस्ट बोला है तो जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा हम लोग उसको पहले लिखेंगे। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? ज़ीरो है, लेकिन ज़ीरो लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? फोर डिजिट हो जाएगा, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में ज़ीरो लिखते हैं तो वो काउंट नहीं होता, इसीलिए हम लोग स्टार्टिंग में ज़ीरो नहीं लिखेंगे। स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? थ्री। तो फर्स्ट क्या हो गया? थ्री। नेक्स्ट ज़ीरो, फोर, फाइव एंड नाइन। तो स्मॉलेस्ट फाइव डिजिट नंबर क्या बन रहा है हमारा? 30,459। क्वेश्चन नंबर टेन हमारा सॉल्व हो गया, हमारा ब्रेन टीजर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में यूनिट टू सॉल्व करेंगे, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। थैंक यू।